अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी एंड आई एम हियर फॉर अ ब्रीफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोर्स वी आर गोइंग टू रन फॉर द एफसीपीएस पार्ट वन रिवीजन मे 2024 अटेम्प्ट। ओके, सो दिस इज अवर कोर्स बाय वी आर मेडिकोज एकेडमिक्स। सो दिस इज अवर कोर्स एफसीपीएस पार्ट वन रिवीजन कोर्स। The salient features, आपका कोर्स जो है ये इट विल बी रन ऑनलाइन एंड इट विल बी अबाउट लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आई विल शो यू द टाइम टेबल शॉर्टली। सो आपके रफली 1/3, 1/4 लेक्चर्स लाइव होंगे। इसके साथ हम एनुअली अपना लेक्चर स्टॉक अपडेट करते रहते हैं इन द लाइट ऑफ द न्यू क्वेश्चन बैंक्स जो कि आपके अटेम्प्ट होते रहते हैं। साथ आपके प्रैक्टिस टेस्ट हम लेंगे और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ टेस्ट डिस्कशन का कंपोनेंट हमने जरूर रखा हुआ है, जिसके अंदर जितने क्वेश्चंस मेंशन हो वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसको प्रेफरेबली लाइव करते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो इन एडिशन टू दोस क्वेश्चन उस सिस्टम में से तो हम उनकी लाइव टेस्ट डिस्कशन करते हैं। आपका हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ रनिंग है तो हमने अपना 25% इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट रखा हुआ है। वी आर आपको जो आप लोगों ने अवेल किया जो आपने से रजिस्टर्ड है एंड हमारी फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है। मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप अपने अपकमिंग कोर्स के अंदर हमारे मेंबर्स से मिलेंगे। वी हैव डॉक्टर सिद्रा अर्शन, शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी और इनका आपको शी विल बी मोस्टली रनिंग द लेक्चर्स ऑफ पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा फिजियोलॉजी के कुछ लेक्चर्स हैं। डॉक्टर फाइजा इकराम और डॉक्टर फाइजा इकराम शी इज ऑल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी और ये आपके साथ इंशाल्लाह ज्यादा अटैच रहेंगी विद द लेक्चर्स ऑफ फिजियोलॉजी। देन मी डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी, इंशाल्लाह आई विल बी यू विद द लेक्चर्स ऑफ एनाटमी, जिसके अंदर हमने ग्रॉस एनाटमी के मेजरली लेक्चर्स रखे हैं, एम्ब्रियो के लेक्चर्स रखे हैं, आई विल शो यू शॉर्टली। सो दिस इज टाइम टेबल, आपको ये मिल भी गया होगा अपने जब आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी उनके थ्रू। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इनकी कॉपीज भी ले सकते हैं। सो 26 टुमारो, कल आपका फर्स्ट लेक्चर होगा सेल एंड नर्व फिजियोलॉजी से स्टार्ट होकर 26 से एंड इट विल गो ऑन टिल 10th मे एंडिंग इन द ग्रैंड टेस्ट डिस्कशन ऑन द अबाउट अ वीक बिफोर योर एग्जाम। So, 50 plus lectures are roughly there for different subjects, जो कि आप लोग देखेंगे शुरू जिस तरह कुछ सेल नर्व मसल फिजियोलॉजी से शुरू हो रहा है, जनरल पैथोलॉजी अपर एंड लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो रहा है और कुछ ये जनरल टॉपिक्स हैं तो इनका हमने कॉमन टेस्ट रखा है। इसके बाद मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो आपको तरतीब में मिलेंगे रीजन वाइज और सिस्टम वाइज, जिस तरह एनेटमी ऑफ थॉरक्स के साथ आपको सीवीएस फिजियोलॉजी पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स हैं। इट विल बी फॉलोड बाय टेस्ट एंड टेस्ट डिस्कशंस एंड सेम गोज देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन विद जीएटी, रीनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन, देन हेड एंड नेक एंड गो ऑन टू न्यूरो एंड एम्ब्रियो एंड एंडिंग विद पेल्विस पेरिनियम विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड देन माइक्रो इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। सो यू विल हैव रफली 13 टेस्ट। पहले मैं लेक्चर्स की बात करूं, लेक्चर्स आप लोगों के 1/3 से 1/4 लाइव होंगे। जिस तरह मैं आपको लास्ट टाइम की बात करूं तो हमने लास्ट टाइम ये सेट रिफ्रेश किया था सेल नर्व अपर लिम लोअर लिम, सो आपको ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड देके नेक्स्ट लेक्चर्स हम कुछ फ्रेश करेंगे जो कि जिनको कुछ टाइम हो चुका होगा। लाइव लेक्चर्स हमारे गूगल मीट के थ्रू आपको जिस तरह अभी आप ओरिएंटेशन सेशन में बैठे हैं वैसे आप बैठ सकते हैं और उसके अंदर आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट करके हमारे साथ करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दो तरीके से हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हमने प्रीवियस सेशन वाले यूज करें या इवन जो आपके पास लाइव लेक्चर हुआ हो आपको यूट्यूब के लिंक्स के थ्रू देंगे प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, सेल्फ पेस पे उनको आप देख सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट जो हमने लेक्चर्स आपके प्री रिकॉर्डेड भी हैं, हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि उनको
आपको गूगल मीट के थ्रू भी चलाते रहे इवन इफ दैट इज रिकॉर्डिंग, तो उसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि आप लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन टाइम टेबल पे अडहेयर करने में इजी होते हैं। दूसरा, आप लोग अगर लाइव लेक्चर के दौरान चैट करके डिस्कशन करना चाहें एक दूसरे के साथ, और हमारा कोई ना कोई मेंबर उस लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर में भी होगा, तो आप उनके थ्रू चैट कर सकते हैं। वी विल स्टिल बी अवेलेबल ऑन अवर व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। टेस्ट आप देख सकते हैं रेड में हाईलाइट हुए भी आपको मिल रहे हैं, तो रफली 13 टेस्ट हैं। सिस्टम्स के सारे टेस्ट आपको 50 एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज और 50 एमसीक्यूज और मोर देन दैट के साथ होते हैं एमसीक्यू टेस्ट, और ये आपको ऑनलाइन लिंक्स के थ्रू जिस दिन लास्ट आपका लेक्चर हुआ करेगा, जैसे लोअर लिम हुआ तो उस दिन या इमीडिएटली द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको लेक्चर टेस्ट मिल जाएगा। फुल डे होगा आपके पास अपनी पेस पे, जब मर्जी आप उसको अटेम्प्ट करके द नेक्स्ट एट दैट नाइट वी विल होल्ड अ टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन हमारी लाइव होती है जिसके अंदर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दो टेस्ट विल बी डिस्कस्ड। इन एडिशन टू दैट हम आपसे इंकरेज करते हैं कि जिस तरह सीवीएस का टेस्ट हुआ, तो इस सारे सेटअप में जो भी आपकी क्वेरीज अभी पेंडिंग हो फील फ्री टू कम फॉरवर्ड। आपके पास पेपर क्वेश्चंस हैं एम्बिग्यूटी वाले, जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर आपके पास कोई चीज है या आप कुछ मजीद डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू अकोमोडेट यू मैक्सिमम हियर इन द टेस्ट रीजंस। तो इस तरह हम इंशाल्लाह टेस्ट में आपके साथ चीजें क्लियर करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग्स टेस्ट की और जितने भी हमारे लाइव सेशन होंगे दिस सेम वन जो कि अभी हो रही है 9:30 इन द नाइट, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब्स पे होते हैं तो नाइट के अंदर कुछ मैक्सिमम लोग अवेलेबल होते हैं, तो रफली एवरेज 2 आवर्स का हमारा सेशन चलता होता है। 11:30 फॉर सम सब्जेक्ट्स गोज अप टू 12 आल्सो, तो वहां हम करते होते हैं, और बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी लाइव सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग आपको जो आपको डाटा बैंक है जो आपके प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको इंशाल्लाह अवेलेबल मिले। बाकी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन, आप लोग मोस्टली जो है बैठे हैं कॉल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इफ नॉट अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो आप अपने आप को सोशल मीडिया हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक से अपना लिंक करें, तो आपको एक्सेस हम देते रहेंगे टू द लाइव लेक्चर्स, और फिर आपको फॉर द फर्स्ट 10 डेज सब लोगों को जो भी रजिस्टर करेगा रिगार्डलेस ऑफ द फी स्टेटस हम आप लोगों को रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स की एक्सेस देंगे। आफ्टर दैट ट्रायल पीरियड के बाद फिर हम उनको कर लेते हैं। सो हमने 25% डिस्काउंट का आपसे जिक्र कर चुके हैं। आपको ये भी जिक्र हो गया कि डेली हमारी जो मीटिंग हुआ करेगी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हमने वैलिड जीमेल अकाउंट आपसे लिया है, तो उसी लिंक के ऊपर आपको डेली बेस सेशन लिंक मिल जाया करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाया करेंगे, और मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए इन्हीं को आप यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं और इनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कभी दोबारा भी आपके लिए रिवाइज करने के लिए करते हैं, तो हम प्रेफर ये करते हैं, अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और जैसे आपको इजी हो तो हम बैंड भी कर लेते हैं कि वी टर्न ऑफ द माइक्रोफोन्स एंड इनकरेज पीपल टू चैट अस थ्रू द कम्युनिकेट विद द चैट। उससे हमें ये होता है कि लेक्चर्स का फ्लो हमारा मेंटेन रहता है, और जहां जहां आपको पॉसिबल हो रेलिवेंट जगह बन रही हो तो हम एडिक्वेट टाइम के ऊपर उनको आंसर करते चले जाते हैं, एंड वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन गिवन द टाइम फ्रेम एंड द सिचुएशन। सो टेस्ट की हमारी बात हो गई, आपको टेस्ट डिस्कशन हो करेगी, लेट्स मूव ऑन। टेस्ट हमारे जो लास्ट ईयर होता है उस पर आपको अपलोड करते हैं, आपको ईमेल भी कर देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाता है। फर्स्ट टेस्ट के ऊपर हम अपनी वो रखते हैं, आपको फ्री हैंड देते हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर वेलकम टू ज्वाइन दैट एंड इवन द नॉन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स विद टाइम वी रिस्ट्रिक्ट द एड्रेस टू द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, और वो कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू या मॉडल के थ्रू आपको जो लिंक मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। टेस्ट आप पार्शियली अगर आपके अकाउंट के थ्रू है तो आप सेव कर सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट इवन बिफोर द लाइव सेशन यू विल रिसीव द इमीडिएट फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाइज एंड देन यू विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। एंड गोज विदाउट सेइंग दैट एनी अदर क्वेरीज इवन अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट आर वेलकम ऑन दोस सेशन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप चल रहा होता है, उसमें हमारा जो चीफ टारगेट है
एनी कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज, एनी क्वेरीज, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज आप वहां हमसे पूछें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको रिप्लाई करें। अभी आप देखेंगे, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, मार्केट में बहुत सारी आपको अवेलेबल हैं बुक्स, एंड दे आर एक्चुअली वंडरफुल बुक्स जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं पास्ट पेपर्स की ओरिएंटेशन देने में और आपके रिविजन कराने में। हमारी पूरी कोशिश होती है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज बुक्स, कि हम उसके बावजूद अपना डिस्कशंस एंड बैकिंग ऑफ द एनी क्वेश्चंस हम टेक्स्ट बुक के पास रखें, दैट वी कैन हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड। जो क्वेरीज अनसॉल्वेबल भी होते हैं, कई दफा आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके अंदर आपको एक साथ करेक्ट आंसर मिलेंगे, तो वी विल डिस्कस दोस के वो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा है, या इन दो क्वेश्चंस में से, दो ऑप्शंस में से कोई एक ज्यादा अच्छा सॉल्व करने की जरूरत है, वन इज द प्रेफर्ड आंसर, जैसे हमें टेक्स्ट बुक्स कहेंगी वो हम वहां से ही डिस्कस करेंगे। इन दिस सेशन हमारी पूरी कोशिश होती है कि एमसीक्यू बुक्स को एज अ रेफरेंस बुक में यूज करें, एमसीक्यू बुक्स को हम इंशाल्लाह एज अ गाइड बुक यूज करेंगे, ये देखने के लिए कि आपको किन एरियाज में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किन पे जोर लगाने की ज्यादा जरूरत है। ऑफ कोर्स एज यू नो दे आर मोस्टली रिकॉल बेस्ड, जो लोग पेपर दे के आते हैं उनसे कटा होता है, सो देर इज ऑलवेज हायर चांस ऑफ हैविंग डिस्क्रिपेंसी देयर एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट बुक्स। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट आई एक्सपेक्ट you from you in the anatomy, then we will move on to the other subjects of physiology and pathology anatomy. Before going into anatomy, आप लोग मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के हैं और डिफरेंट आप लोगों ने सर्जरी, मेडिसिन एंड पैथोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप लोगों ने एग्जाम्स देने हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आप लोगों को अपने पोर्टल पे देखें, पार्ट वन के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, या आपसे जो इमीडिएट बैच है जो पहले अप्लाई कर चुका है, उन लोगों को आपको करिकुलम मिल जाएंगे। हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। आप इसमें पैटर्न ये देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पार्ट वन एग्जाम्स। तो आपने इवन मेडिसिन का एग्जाम दे रहे हैं तो एनेटमी, न्यूरो एनेटमी, हिस्टोलॉजी इज इंक्लूडेड, उसकी वेटेज में फर्क आ जाता है फिजियोलॉजी के मुकाबले में। और जब आप गायनी का देंगे तो उसमें एनेटमी स्पेशली पेल्विस प्रीनियम एंड एबडामन का वेटेज एंड कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको क्या हेल्प आउट करते हैं, एनेटमी के लिए आपने क्या पढ़ना है। तो ग्रॉस एनेटमी के लिए आप लोगों को मैं इंकरेज करूंगा कि स्नेल्स रिव्यू, रिव्यू स्नेल के नाम से बुक मिलती है, सो दैट विल बी द गो टू बुक। ऑल एज यू विल फाइंड आउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल इनकाउंटर आर यूजली सॉल्व थ्रू दोस, वहां से मोस्टली आपकी क्वेरी सॉल्व होती हैं। मेरे क्वेश्चन आपको लेक्चर्स उसके पैटर्न भी चलेंगे इंशाल्लाह, और अगर आप बुक सामने खोल के करना चाहें आप कर सकते हैं। आई विल बी फॉलोइंग कैपलान यूएसएमएलई फॉर न्यूरोसाइंसेस, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड बुक जो हो सकती है वो ये, अदरवाइज इसके बाद बाहर जाएंगे बीआरएस जाएंगे, इट्स अ वंडरफुल बुक, लेकिन वो आपके बल्क में ज्यादा हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है और आपकी एनर्जी कितनी है, आपका पेस सेट होगी। अगर आप अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपकी ग्रॉस एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम होंगी, और अगर आपके पास एनर्जी थोड़ी सी बचती है तो हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज द स्मॉलेस्ट बुक अवेलेबल एंड दिस इज द बिगेस्ट बुक आई विल रिकमेंड फॉर पार्ट वन एग्जाम। सो अगर आप इसको करने पे हैं तो 3-4 दिन में आराम से ये कंप्लीट बुक हो जाती है, अगर आप नेक्स्ट बुक कर सकें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स, एट द नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, बट इफ यू हैव, इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम, एम्ब्रियोलॉजी विल बी द वे टू गो, हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी विल बी द वे टू गो। देन कम्स टू द बुक्स दैट आर सपोर्टिंग, आपको मैं दो तरह की बुक्स कहूंगा कि साथ साथ लेके चलें। एक आपको मिलेगी बुक्स जो कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है, आपको मिलेंगी तनवीर नोट्स। तनवीर नोट्स जो हैं पार्ट वन के लिए, तनवीर नोट्स के अंदर वन लाइनर्स, नॉट कंप्लीट एमसीक्यूज, बट एमसीक्यूज के भी जो वन लाइनर वर्ड्स हैं, सिंपली 15 डिग्री टू 19 डिग्री एब्डक्शन इज डन बाय डेल्टॉइड, इस तरह के वन लाइनर हाई डेंसिटी टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर। और अगर आप इस बुक को देखेंगे तो ये अरेंज्ड है आपके सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज, यू विल फाइंड अ चैप्टर ऑफ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इंडिपेंडेंटली। सो ये बुक मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको जरूर आप अपने साथ लेके चलें,
जो भी आप हमारे साथ लेक्चर ले रहे होंगे आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और तनवीर नोट का वो वाला चीज जरूर देख लें, अ फ्यू पेजेस विल बी देयर, और वो आपको जो पास पेपर्स के मुताबिक हाई डेंसिटी रिविजन मटेरियल है आपको वहां से मिल जाएगा। देन कम्स एन एमसीक्यू बुक जो कि आपकी सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है, यहाँ शायद मैं लिखी हुई नहीं है। एक आपको बुक मिलेगी पर्ल्स बाय आतिफ अफजल, वो बुक मिलेगी आपको जो सब्जेक्ट वाइज अरेंज है। तो ये बुक आप वो देखेंगे कि जोन सी भी आपको सब्जेक्ट आपने किया होगा आफ्टर डूइंग द टॉपिक, तनवीर नोट्स देखने के बाद मैक्सिमम एमसीक्यूज जितने उस टॉपिक में से हो सकते हैं, अपर लिम आपने किए अपर लिम के एमसीक्यूज आप करें वहां से, आपकी रिविजन भी है, पास पेपर्स भी कंप्लीट होते हैं और आपको वो नहीं जाना पड़ता। तो ये बुक्स आप साथ चलाएंगे, और ये आप जिस दिन आपको जोन सा टॉपिक आप करेंगे वो साथ साथ देखेंगे। रेडियन नोट्स इज रफली इक्वल टू तनवीर नोट्स, बट मैं तनवीर को कहूंगा रेडियन नोट्स में भी तनवीर की तरह हाई डेंसिटी नोट्स हैं, बट तनवीर इज मोर सिस्टमेटिकली अरेंज, सो इट हेल्प्स यू अलॉट। देन कम्स एस्केपल्स, एस्केपल्स या रेडियन नोट्स जो कि आपके पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी जो चीज जो हेल्प आउट करती है कि पास पेपर्स में स्पेशली आपके किस स्पेशलिटी में एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। इनकी आप हर 6 महीने बाद नेक्स्ट सीरीज आ जाती है, जैसे 16 के बाद 17 18 भी आ गए। तो पास पेपर जो हैं ये आपके अरेंज नहीं होंगे सब्जेक्ट वाइज, ये आपको जिस तरह ये इस तरह मेंशन होगा कि फरवरी 2023 मॉर्निंग एंड 200 एमसीक्यूज। तो इसको मैं आपको करूंगा कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करें तो एक अपनी बेसलाइन देख लें आप कितनी एनर्जी कर सकते हैं। 100 एमसीक्यूज अ डे शुरू में आप शुरू करेंगे, 50 एमसीक्यूज अ डे एज यू मूव अलोंग आप थोड़ा सा सेट कर लेंगे कि 100 एमसीक्यूज अ डे, वो आप रोज के रोज करते चले जाएं। कुछ आप करेंगे हमसे क्वेरीज में पूछें, ग्रुप में पूछें, हम उनको क्लियर करें। यहाँ जो है ना, यहाँ आपको सब्जेक्ट स्पेशलिटी का फर्क आता है कि आपको इसमें सारी बुक्स मिल जाएंगी ऑफ स्पेशलिटीज, आपको एस के नोट्स मिल जाएंगे एस के पिंक के नाम से गायनी के, रेडियोलॉजी की बुक अलग मिल जाएगी, मेडिसिन की बुक अलग मिल जाएगी, और इवन अगर आपको जो एस के 16 ये जनरल बुक्स हैं उनके अंदर भी आपको सेगमेंट्स मिल जाएंगे एनेस्थीसिया के, पैथोलॉजी के, मेडिसिन के। सो स्टार्ट देम फ्रॉम वन एंड, तो आप साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको पास पेपर से वो चीजें काफी हद तक कवर होती चली जाएंगी। सो दैट्स अबाउट द स्टडी सोर्सेज ऑफ एनेटमी। सो आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर फाइजा नाउ टू कंटिन्यू फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनेटमी एंड द रेस्ट ऑफ इट। आई विल बी अवेलेबल हेयर, अगर आपने कोई क्वेरीज पूछनी हो, कोई बात करनी हो तो वी विल बी अवेलेबल। सी यू देन, हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर फाइजा नाउ। Assalamualaikum, this is Dr. Faiza here, continuing with the rest of the session. So nice to see you all with us for this course, and I hope this is going to be a good decision for you, and you are going to learn something with us. Basically, course orientation you already had with Dr. Ali Rabbani. What I would like to focus before moving further with the study sources is, आप सब लोग, I believe, accomplished हैं, done with your graduation, and you can of course carry on with your studies by yourself. एक जो बहुत बड़ा benefit course join करने का हो जाता है, that helps you get disciplined. We could have shared all the videos with you at once, लेकिन ये जो टाइम टेबल है और आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इन माय व्यू दिस इज वेरी गुड फीचर जो आपको कोई पकड़ के टाइम के साथ लेके चले कि आज इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया। रेस्ट ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट ओपिनियन और एक कंसाइज ड्यूरेशन के अंदर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग ऑथेंटिक सोर्सेस से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा होगा अलॉन्ग विद दिस सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए स्टडी सोर्सेस पे आते हैं। एनेटमी की आप लोगों ने डिस्कशन कर ली, अब हम बाकी सब्जेक्ट्स की देखते हैं कि रिकमेंडेड स्टडी सोर्सेस कौन से हैं। तो पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा चंक जहाँ पार्ट वन के अंदर और एमडीएमएस एग्जाम्स के अंदर एनेटमी का होता है, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा पार्ट पैथोलॉजी का और उतना ही फिजियोलॉजी का। तीन मेजर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं
जिनके बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर टॉस वाइज देखा जाए तो. पैथोलॉजी के लिए, जनरल पैथोलॉजी के लिए बीआरएस के इनिशियल चैप्टर्स हाईली रिकमेंडेड जनरल पैथोलॉजी के लिए. स्पेशल पैथोलॉजी के लिए डू रिमेम्बर आपने कवर टू कवर फर्स्ट एड पढ़ देनी है. फर्स्ट एड पैथोलॉजी के हवाले से उसमें कोई छूट ही नहीं है कि फर्स्ट एड पढ़नी ही पढ़नी है. उसके अलावा आपको अपने लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट एड के अलावा कुछ टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं और फर्स्ट एड के अंदर कवर नहीं हो रहे, दोज विल बी सप्लीमेंटेड बाय बीआरएस. आपको बीआरएस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसी तरह आपको पैथोमा पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिलाय ऑन द फर्स्ट एड एंड बीआरएस से सप्लीमेंट करें उसको. बाकी आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स के थ्रू जो असेसरी मटेरियल है वो आपका कवर अप हो जाएगा. थर्ड आपका आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी कैप्लान आपको जो है वो रिकमेंडेड है. इसके अलावा स्पेशल पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी. दोज आर नॉट सफिशिएंट इन फर्स्ट एड. तो उसके लिए भी कैप्लान में से आपको सप्लीमेंटेड मटेरियल मिलेगा विद इन द वीडियोस. इफ यू वांट आप कैप्लान से रीड भी दे सकते हैं. आपको लेक्चर्स की अगर सोर्सेज बता दिए जाएंगे जिस तरह फर्स्ट एड है, कैप्लान रिप्रोडक्टिव कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग योर नोट्स ऑल्सो. कि आप वीडियो सुन रहे हैं और साथ साथ एक दफा वीडियो सुन के आपने अपने नोट्स ले लिए एंड देन योर बुक इज रेडी टू गो. अगेन एमसीक्यू बुक्स की अगर बात करें तो फॉर पैथोलॉजी, फॉर फिजियोलॉजी, फॉर एनाटॉमी आई वुड अगेन सजेस्ट कि तनवीर नोट्स वो हैं कि जिसके अंदर बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं. एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं है लेकिन इट विल हेल्प यू अलॉट इन हैविंग अ लुक एट के एमसीक्यूज किन टॉपिक्स में से आए हुए हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी से आए हुए हैं. और उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अगेन टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं. आपने आज रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आप उसके पॉइंट्स देख लें, कल आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है तो उसके पॉइंट्स देख लें. दिस विल हेल्प यू. अनदर थिंग के बहुत कंसाइज किस्म के हैं. आपने अगर वीडियो देख लिया है, बुक पढ़ लिया, इट विल हार्डली टेक यू 15-20 मिनट्स टू गो थ्रू दोज पॉइंट्स. तो वो क्विकली आप उसको कवर अप कर लेंगे. नंबर टू, बहुत हमें से बहुत सबको, बहुत लोगों को शौक होता है और इट्स ऑफ कोर्स नेसेसिटी आल्सो कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की जाए अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए और प्रिपरेशन के लिए. तो एमसीक्यू के बुक्स अगेन मल्टीपल डॉक्टर अली रबानी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. कोई सी एक बुक चूज कर लीजिए जो आपने एनाटॉमी के लिए चूज किया, कैरी फॉरवर्ड विद दोस्त फॉर पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो. अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं तो अगेन जैसे आपको रेडिएंट नोट्स का मशवरा मिला बाय रफीउल्ला और एक आतिफ अफजल के नाम से, आई थिंक आतिफ अफजल वाली जो बुक है वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड है. बाकी जो रेडिएंट नोट्स हैं या एसके बुक्स हैं, एसके पर्ल्स हैं, वो टॉपिक वाइज अरेंज नहीं है लेकिन उसमें पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं. तो वट एवर सूट्स यू किसी एक बुक को ले लीजिए. सारी की सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड मेक योर टाइम टेबल. या तो आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दें. अगर आपने ऐसी बुक चूज किया जो टॉपिक वाइज नहीं है तो फिर इनिशियली ही उसके नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए. अगर आपने दो महीने में तैयारी करनी है तो एवरी डे हाउ मेनी पेजेस यू आर गोइंग टू रीड, क्या आपका दो महीने के अंदर ये वाली एमसीक्यू बुक कम्प्लीट हो जाए. तो वी विल सजेस्ट वट एवर मेथड सूट्स यू ऑफ दैट. मूविंग ऑन टूवर्ड्स फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी जो है अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहें तो फर्स्ट एड के अंदर जितनी फार्माकोलॉजी, कुछ जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक आपको उसमें मिलेगा और कुछ सिस्टम वाइज कार्डियोवैस्कुलर के साथ उसकी फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ उसकी फार्माकोलॉजी मिल जाएगी. दैट इज गुड इनफ. जनरली थोड़े एमसीक्यूज आते हैं इसमें से लेकिन आते हैं. अगर आप इनसे कोई एनेस्थीजिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉरी, तो एनेस्थीजिया के अंदर देयर इज अ गुड वेटेज ऑफ फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज. तो उनको भी हम ये रेकमेंड नहीं करते कि आप कैटजन पूरी पढ़ने बैठ जाएं, बहुत वास्ट है. और अगर आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज देखें तो उसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं. तो व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप लेक्चर सुने, फर्स्ट एड पढ़ें, नंबर थ्री पे आप पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी वाले पोर्शन के पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी गुड इनफ फॉर यू. अगर आप एनेस्थीजिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फार्माकोलॉजी के लिए अगेन आप एनेस्थीजिया वाली पास्ट पेपर्स बुक्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल एस्केपल्स के अवेलेबल हैं. You can consult that and that will hopefully good enough for you. Biochemistry again ek minor subject hai aur biochemistry ke liye there are two recommendations. Ya to aap first aid ke jitne pages hain
गिनती के कुछ पेजेस हैं वहां से पढ़ लें और लेक्चर सुन लें, गुड इनफ. अदर थिंग, अगर आप मजीद डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, यू हैव टाइम और आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, बाकी आप मेजर सब्जेक्ट्स अपने कर चुके हुए हैं, तो आप लिपिन कॉर्ड की चैप्टर समरीज को एक रीड दे सकते हैं. फुल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट द चैप्टर समरीज यू कैन गिव दोज अ रीड और वो भी आपको गुड हाइलाइट्स बता देंगे. फिजियोलॉजी की तरफ मूव करें तो लाइक फर्स्ट एड वॉज दी बुक फॉर पैथोलॉजी. फिजियोलॉजी के लिए BRS फिजियोलॉजी इज दी बुक. BRS फिजियोलॉजी आपने कवर टू कवर पढ़नी है और ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई वुड बी मेजरली फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ BRS फिजियोलॉजी. उसी के सीक्वेंस के ऊपर ज्यादातर लेक्चर्स भी अरेंज मिलेंगे. यू कैन टेक योर नोट्स ऑन योर BRS फिजियोलॉजी. और BRS फिजियोलॉजी के अलावा जो सप्लीमेंटेड मटेरियल आपको कैप्लान न्यूरोनेटमी से कैप्लान फिजियोलॉजी से मिलेगा और इसके अलावा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स गाइटन और गेनोंग से भी कुछ आपको टॉपिक्स मिलेंगे. बट आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स तो आप अपने BRS फिजियोलॉजी के ऊपर एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स ले सकते हैं जो आपको लगता है कि बुक के अंदर मौजूद नहीं है. अगेन MCQ बुक्स एज ऑलरेडी सजेस्टेड, एक आप टॉपिक वाइज बुक ले लें जैसे तनवीर नोट्स हो गया और एक कोई सी MCQ बुक चूज कर लें एंड दैट विल बी वर्किंग फॉर यू. बाकी अगर आप लोग जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी एंड अलाइड के अलावा कोई सब्जेक्ट आपका है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गायनेकोलॉजी का पार्ट वन देना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एब्डोमेन पेल्विस की एनाटॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एनेस्थीसिया वालों के लिए फार्माकोलॉजी की वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है. इसी तरह जिन्होंने पैथोलॉजी का देना है पार्ट वन, उनको फिर स्पेशल पैथोलॉजी की जरा इनडेप्थ एनालिसिस ज्यादा पढ़ना पड़ता है. सर्जरी वालों को एनाटॉमी की थोड़ी सी जरा ज्यादा डिटेल्स देखनी पड़ती हैं. लेकिन अगेन एंड अगेन टू एम्फसाइज, ये बस एक जनरल सा एस्पेक्ट है. पेपर वन सबका सेम होता है, पेपर टू के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है और वो भी 100% कंपल्सरी नहीं है. समटाइम्स सर्जरी वालों को फिजियोलॉजी के पैथोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं और एनाटॉमी के कम आ जाते हैं, तो दिस इज नॉट जनरलाइजेबल. वी सजेस्ट कि आप अपना बेसिक कंटेंट जो है वो अच्छे से तैयार करें, फिर उसको सप्लीमेंट कर लें अपने सब्जेक्ट के हवाले से. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द स्टडी सोर्सेज. वी हैव डिस्कस्ड कि आपके सब्जेक्ट स्पेशलिटी के हिसाब से कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने चैट बॉक्स के अंदर यू कैन पोस्ट एंड वी विल बी हेयर टू आंसर. Before closing, I would like to share with you, हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, www.medicosacademics.com, जिसमें आपको कुछ हमारे स्टडी सोर्सेज और रनिंग कोर्सेज मिल सकते हैं. यू कैन गो थ्रू दोज. ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन आवर LMS. होपफुली इट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टरवर्ड्स. So all the very best for your course ahead. आप लोग हमारा free trial version भी देख सकते हैं, YouTube पे भी कुछ free videos available हैं, and you can decide what is suitable for you. So if you have any queries, please I'm here to answer. ओके, इज दिस कोर्स ओरिएंटेड जनरल और स्पेसिफाइड टू मेडिसिन? अच्छा डॉक्टर रिदा, दिस इज स्पेसिफाइड फॉर FCPS पार्ट वन प्रिपरेशन. मेडिसिन के लिए इट्स ऑथेंटिकली सूटेबल. अगर आपने मेडिसिन एंड अलाइड में देना है तो बिल्कुल इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट. अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में देना है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्थमोलॉजी में देना है, तो उसके लिए आपको कोई, या एनेस्थीजियोलॉजी में देना है, एनेस्थीजिया में देना है, साइकेट्री में देना है, तो व्हाट एल्स यू नीड टू डू इज जस्ट टू गिव अ रीड टू MCQ बुक अदर देन दिस कोर्स. बाकी दिस कोर्स इज बेसिक. और मेडिसिन का अगर आपने देना है तो फिर तो इसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं. जी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी. चलें, थैंक यू.
Thank you for your time. And from tomorrow onwards, inshallah, you will be having our either the live lecture links or recorded video links around 9:30 every day. So wish you all the best. If you have any other queries, we will be, of course, available throughout on our WhatsApp group. Wish you all the very best and take care. Allah Hafiz.